अपने पोल्ट्री शेड के अंदर जो अच्छा रिजल्ट लाने का एक मेन पॉइंट जो होता है, मुर्गी जितनी उछलती है ना फार्मर को उतना ऊंचा उठा देती है, और मुर्गी जितना लेट के मरती है ना उतना नीचे बिठा देती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे खुशी पोल्ट्री ब्लॉग्स में। दोस्तों हमारे बर्ड्स को आज चौथा दिन है और आप देख सकते हैं बर्ड्स जो अच्छी तरह फीडिंग कर रहे हैं और सारे फीडर में खाना चालू कर दिया है। दोस्तों फिर भी हमने जो है पेपर फीडिंग के लिए कट्टा एक एक कट्टा चारों खानों में डाल रखा है और कट्टों पर फीड डाल रखा है, तो कोई बर्ड्स उस पे खा लेता है, कोई अपने फीडर में खा रहा है। दोस्तों अभी सवे का टाइम है और आज अपने दो दिन मैंने एंटीबायोटिक लगा दिए दोस्तों, और दो टाइम ही मैंने गुड़ और मीठा सोडा लगा दिया है। तो आज दोस्तों जो है मैं इसको लीव 52 देने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब जो है पाँच और छठे दिन पे मेरे जो है इसमें लिवोटोनिक की दिक्कत आती है लीवर की, तो मैं ये वाली लीव 52 यूज कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए इसमें उल्टा दिख रहा है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, लीव 52 हिमालय की ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो है PFS लिक्विड लिखा हुआ था। ये थोड़ी महंगी आती है, इसमें दो तरह की आती है दोस्तों, एक 450-500 रुपये समथिंग आती है, ये 850 रुपये की लिए मैंने लीव 52 PFS लिखा होता है दोस्तों, ये 850 रुपये की आती है। तो इसको जो लगाने से जो लीवर में अच्छा रिलीफ मिलता है, अगर इससे नहीं कंट्रोल हो पाती है, अगर बाद में जाकर दिक्कत आती है, तो फिर मैं हेप्टोकेयर वगैरह ऐसे यूज करता हूँ दोस्तों। तो रेगुलरली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि मैं शाम सुबह कौन सी मेडिसिन देता हूँ, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको। ज्यादातर रिकमेंड ये आती है कि आप पोल्ट्री फार्म में किस तरह काम करते हैं वो चीजें हमको आप शेयर करते रहें। दोस्तों अभी तक हमारे जो है 3 मॉडलिटी हो चुकी है, और आगे भी अगर क्या प्रोसेस चलता रहता है हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे दोस्तों। तो आपको एक बार हमारे 4 दिन का बर्ड्स है दोस्तों, मैं आपको बर्ड्स दिखा देता हूँ, बर्ड्स की एक्टिविटी दिखा देता हूँ, प्लीज आप वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अपने बर्ड्स हैं, ये 4 दिन के अपने बर्ड्स हो गए दोस्तों। अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है दोस्तों, और ना इतनी ज़्यादा कोई साइजिंग वगैरह है, और अब आगे जाके क्या होता है वो तो देखो, ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हाथ में जो है वो कर रहे हैं बराबर। अपने हाथ में ये चीज़ है दोस्तों कि अपन जो है अच्छे से इनकी देख रेख करें। देखिए फीडिंग अच्छी कर रहे हैं, ये पेपर में हमने शाम को डाला था, अभी साफ कर दिया इसको, अभी फिर दोबारा हम इस पर फीड डालेंगे। और ये बड़े वाले जो जेम्बो फीडर लगाए थे दोस्तों, इसको भी देखिए खाना चालू कर दिया इन्होंने, और ये जेम्बो ड्रिंकर लगा रखे हैं, इसमें मैंने फीड डाल रखा है, इसको भी अच्छे से खा रहे हैं। कुल मिला के बच्चे की फीडिंग जो है अच्छे से चालू हो गई है। तो अगर बर्ड्स एक बार अगर फीडिंग करना अच्छे से चालू कर दे दोस्तों, तो फिर उसके बाद टेंशन नहीं है, फिर अपन को जो है उसमें डिलाई नहीं करनी है, अपन को तुरंत प्रभाव से थोड़ा भी फीड खत्म होते डायरेक्टली डालना है। अभी इसमें दोबारा हम फीड डालेंगे दोस्तों, और पानी के बर्तन भी अब भरेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हमारी टंकी मोटर चल रही है, टंकी लोड हो रही है, क्योंकि हम जो यहाँ टूटी पे लगा के ड्रम से भरते थे दोस्तों, वो वाला सिस्टम हमारा ख़त्म कर दिया हमने। अब लिक्विड की जो है हमने ऊपर 500 लीटर के अंदर ही मिला के आगे दोस्तों, तो कितनी मात्रा में मिलानी है वो भी बता देता हूँ दोस्तों। मैंने 1 लीटर 1 ml के हिसाब से ली 52 PFS को मिलाया है दोस्तों, तो 500 लीटर के अंदर पूरी में मिला दिया, तो ये अभी भी हो जाएगा, शाम को भी हो जाएगा, दोनों टाइम में यही मेडिसिन चलाऊंगा। तो मतलब कि क्या है, फिर लगाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं उसको 2-3 दिन बाद के अंदर दोबारा रिपीट करूंगा। देखिए दोस्तों बर्ड्स को हम उठाते हैं ना, छोटे बर्ड्स होते हैं जब, ये जो अपने 5 लीटर की पीपी आती है उसमें हम जो है छोटे छोटे कांकरे डाल लेते हैं, और उससे जो है बर्ड्स को उठाते हैं। कितने देखिए आराम से उठते हैं बर्ड्स को, अभी आपने देखा होगा, देखिए इस तरह बैठ जाते हैं, तो इसको अपन को डिस्टर्ब करते रहना है। मैं आपको बता दूं, हर 15 और 20 मिनट के भीतर इसको जो है अपन को डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब करने का भी एक तरीका होता है, देख लीजिए प्रॉपर तरीके से ऐसे उठाना है, अगर ज़्यादा आप एकदम से चमका दोगे बर्ड्स को तो बॉडी वेट लेस करता है, आराम से उठाना है बिल्कुल, ताकि बर्ड्स उठे और पानी के पास चला जाए, उठे और कोई दाने के पास चला जाए, बस इतना सा काम होता है दोस्तों। अगर अपन इसको जो है ज़्यादा अगर इसके अंदर भगदड़ मचाएंगे दोस्तों, तो उससे भी अपन को लॉस ही है, तो बर्ड्स को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। आप देख सकते हैं बर्ड्स की एक्टिविटी, और बर्ड्स को नज़दीक से दिखाता हूं दोस्तों, आप देख लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई लूज मोशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई साइजिंग नहीं है, अभी एक्टिविटी बढ़िया है। मैं फर्स्ट डे से लेकर लास्ट तक की वीडियो और दोस्तों आपके साथ शेयर करता रहूंगा। रिजल्ट तो चाहे किसी भी कंडीशन में जा सकता है दोस्तों, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, और पोल्ट्री फार्म में कोई दावा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ना किसी का बाप भी इसको प्रॉपरली साल भर नहीं सही निकाल सकता, किसी का भी बिगड़ सकता है दोस्तों। ये तो मुर्गी है, मुर्गी जितनी उछलती है ना फार्मर को उतना ऊंचा उठा देती है, और मुर्गी जितना लेट के मरती है ना उतना नीचे बिठा देती है, तो फार्मर को ज़्यादा उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो मैं तो एक चीज़ सीधी सी बात बोलता हूँ दोस्तों,
कि पोल्ट्री है, पोल्ट्री का डॉक्टर आज तक नहीं तो पैदा हुआ है, नहीं होगा भविष्य में, क्योंकि इतने बर्ड्स में दिक्कत होती, इतनी बीमारियां होती है कि डॉक्टर को भी नहीं पता पड़ता कि क्या दिक्कत है। अपन नॉर्मली छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसको पकड़ कर सकते हैं दोस्तों कि इसकी मोर्टलिटी क्यों हुई है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करना ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अपने बर्ड्स के बारे में। देखिए बड़े वाले फीडर में भी चालू कर दिया दोस्तों अच्छे से, अभी बर्ड्स को उठाया इतनी देर बैठे थे, ये देखिए प्रॉपर पूरे शेड के अंदर जो है अपने बर्ड्स फीडिंग कर रहे हैं और वाटर इंटेक अच्छे से उठा रहे हैं। अब इसको आज जो है हम लिफ्ट 52 दे रहे हैं दोस्तों, चौथा दिन है अपने फार्म के अंदर बर्ड्स का। उधर देखिए मैंने कट्टे हुए फीड डाल रखा है, उस पर सारे बर्ड्स इकट्ठे होकर बैठ के देखिए फीड खा रहे हैं। तो दो दिन जो है ये फीडिंग करानी चाहिए अपन को पेपर पे, क्योंकि अपने एकदम से पेपर हटाया दोस्तों तो वो बर्ड्स को नहीं पता पड़ता है, फिर क्या करता है बर्ड्स नीचे मुंह मारने की कोशिश करता है, बुरादा वगैरह उठाने की कोशिश करता है। तो हालांकि मैं तो क्या करता हूँ, बर्ड्स आते हैं उसी टाइम, आपने देखा होगा वीडियो में ये जो चिक्स फीडर है दोस्तों ये लगा देता हूँ ताकि बर्ड्स जो है शुरू से ही फीडर में खाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये चिक्स फीडर है ना अपने फार्म के अंदर, अपने पोल्ट्री शेड के अंदर जो अच्छा रिजल्ट लाने का एक मेन पॉइंट जो होता है चिक्स फीडर होता है। दोस्तों मैं कई पोल्ट्री फार्म पे देखा हूँ कि चिक्स फीडर नहीं होते हैं। दोस्तों चिक्स फीडर इतना अच्छा काम करता है ना कि ये फर्स्ट डे से अपन इसके अंदर फीडिंग करते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दोस्तों चिक्स फीडर आप ज़रूर लें। चिक्स फीडर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बॉडी वेट बहुत अच्छा गेन करता है फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट के अंदर बच्चा ना अच्छा से ग्रोथ पकड़ लेता है दोस्तों, तो फिर इसके अंदर इकोलाई वगैरह ऐसी समस्या नहीं पैदा होती है। फीड और वाटर इंटेक अच्छा बर्ड्स करेगा, बॉडी वेट अच्छा गेन करेगा, तो किसी प्रकार की बीमारी उसमें आने के बहुत कम चांस होते हैं। तो दोस्तों ये आज का मैंने मेडिसिन के बारे में आपको बताया कि मतलब किस प्रकार हम जो है इसके अंदर मेडिसिन डे बाय डे आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स करें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर पोल्ट्री फार्म संबंधी जानकारी हर डेली आप अपडेट लेना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री।